हमने मंगाई थी साउंड कॉर्न गन, जो कि हमारे पास आ चुकी है। हमने दो क्वांटिटी मंगाई थी। चलिए अब इसे हम निकालते हैं। रिवॉल्वर की 9 mm पिस्टल टॉय गन है। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है। अब हम इसे खोलेंगे। ये तो हमारी छोटी वाली गन जो कि कॉर्क है। छोटी पिस्तौल है, यहाँ पे कॉर्क डलता है, लेकिन गन के साथ में कॉर्क नहीं मिले। और ये हमारी वर्ल्ड वॉर की 9 mm पिस्टल टॉय गन। और देखने में काफी हद तक ओरिजिनल जैसी लगती है, लेकिन है ये टॉय गन। लेकिन इसके कॉर्क हमें मंगाने पड़ेंगे, जो हमें नहीं मिली इसके साथ। और इस साथ में हमने मंगाया था इसका कवर, जो कि असली ऐसा है बंदूक के लिए, मतलब इसमें रखने से असली ऐसी बंदूक लगे। हमारा कवर हो गया, थोड़ा टाइट है। और ये है इसे बेल्ट में फंसाने के लिए। इसके साथ हमें रस्सी मिली जो इसमें फंसाने के लिए है। लेकिन ये इसमें सूट नहीं करती, ऐसे ही काफी शानदार लगता है देखने में। ये सूट भी करता है, इसका वेट भी काफ़ी हैवी है। अब हम इसका वेट चेक करते हैं। जो 502 ग्राम की है। और एकदम असली जैसी दिखती है। और छोटी वाली पिस्टल ये थोड़ी कम वजन की है, इसका वजन 155 ग्राम है।
अभी भी लेदर जैसा है एकदम, लेकिन ये लेदर नहीं। इनको हम क्वाड के साथ आपको चला के नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल में, उसके लिए हम अगली वीडियो में क्वाड के साथ वीडियो बनाएंगे और शूट करके भी दिखाएंगे। ये काफ़ी शानदार है वर्ल्ड वॉर की 9mm पिस्टल ड्रैगन मेड इन डेली गेट, काफ़ी शानदार ओरिजिनल जैसी। इसको भी साथ में बाद में टेस्ट करेंगे। ये गन की सेफ्टी के पर्पज से काफी शानदार है गन। और ये फंसा है बेल्ट, एक दो दिन में हमारे कॉर्क आ जाएंगे तो हम इसे कॉर्क से टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे एकदम रियल लुक है, काफी हैवी। ये हल्का जो थोड़ा भारी सूट, ये काफी शानदार है और ये बच्चों के लिए है छोटी बढ़िया चलाने के लिए कॉर्क के साथ। आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे आगे हम टेस्ट इसका नहीं कर पाएंगे। एक दिन हमारे कॉर्क आएंगे और इसके साथ आएंगे शूटर और बॉक्सर। ये बॉक्सर, ये शूटर जो कि हमारे दो आ चुके हैं, एक माउजर और रेनबो। यहाँ रेनबो छोटा सा और ये रहा हमारा माउजर जो काफ़ी शानदार है। उस शूटर को भी हम टेस्ट करेंगे कॉर्क के साथ और बॉक्सर को भी मंगा के टेस्ट करेंगे और जो कि हमारे एक दिन में आ जाएगा। इसमें चार कलर ऑप्शन है, ब्लैक, ब्रास, कॉपर और गोल्डन, पर हमने इसका ब्लैक मंगाया था जो ब्लैक काफ़ी शानदार है और इसका गोल्डन भी जो इसी के पे छपा हुआ है, पर गोल्डन से ब्लैक ज़्यादा बेटर है दिखने के मामले में। और साथ ही एकदम रियल गन जैसी साउंड देती है। ये इसके लिए नहीं बना, ये इसी के लिए बना है। धन्यवाद।